नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है एसएससी सीजीएल 2024 के लिए, उसके अलावा आपकी जो एज है वो कब से काउंट होगी इस पॉइंट पर भी बात करेंगे, क्योंकि ढेर सारे बच्चे जो हैं वो जानना चाहते हैं कि एज जो है वो यहाँ पर कब से काउंट की जाएगी। ठीक है, तो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको मिलने वाला है। उसके अलावा ये वैकेंसी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी दिखाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है ताकि आप मोटिवेशन के साथ अभी से प्रिपरेशन जो है वो करना स्टार्ट कर दो, तभी आपको कहीं ना कहीं एक सीट मिल पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के पैटर्न पे। अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो टाइपिंग सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पर हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा हमने आरटीआई भी लगा दी है 2022 और 2023 के पैसेज के रिगार्डिंग, तो वो सारे पैसेज भी यहाँ पर हम कंपाइल कर देंगे। तो इसी सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस करिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो लीजिएगा, डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं आरटीआई आपको पहले दिखा चुका था, मैंने ये आरटीआई लगाई थी, आप देख सकते हैं मैंने जितने भी रीज़न है रीज़न वाइज जो है आरटीआई लगा रखी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी और जीएसटी जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उसमें भी, उसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट में भी आरटीआई लगा रखी है, ढेर सारी आरटीआई लगा रखी हैं। तो जैसे जैसे उनके रिप्लाई आते हैं मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करता हूँ। तो अभी तक जितने रिप्लाई आ चुके हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कर्नाटका एंड गोवा जो रीज़न है उसमें आपकी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स स्टैंड की कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें तो आपकी 10 वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 5 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की आपकी 1 वैकेंसी। अगर हम टीए की बात करें यानी कि टैक्स स्टैंड की, तो यहाँ पर 49 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की 23 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी है, एसटी की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 13 वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस की 2 वैकेंसी है। ये अभी वैकेंसी का सीनेरियो है, अभी इसमें ढेर सारे चेंजेस भी होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में भी काफ़ी टाइम है। तो प्रेजेंट जो सीनेरियो है वैकेंसी का इस रीज़न में वो ये है। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं ये मुंबई रीजन का है आपका जीएसटी स्पेक्टर की वैकेंसी, आप देख सकते हैं ये जो वैकेंसी है मुंबई जोन की आपकी। ठीक है, जीएसटी स्पेक्टर में यहाँ पे कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, टोटल जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो 95 रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर की आपकी 52 है, एससी की आपकी 9 वैकेंसी है, एसटी की 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 25 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की आपकी जो 5 वैकेंसी हैं वो रिपोर्ट हुई है। ठीक है, उसके अलावा आप देख सकते हैं ये आपकी हैदराबाद जो रीज़न है उसमें वैकेंसी ये 2023 के लिए है, ये आपकी 2024 के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैदराबाद रीज़न की ये वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो जो आपका इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो 39 रिपोर्ट हुई है कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव जो असिस्टेंट है उसकी वैकेंसी एक भी रिपोर्ट नहीं हुई। उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की अगर बात करें तो 51 वैकेंसी आपकी यहाँ पर रिपोर्ट हो चुकी है। ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की इतनी वैकेंसी है, उसके अलावा टैक्स असिस्टेंट की इतनी वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हो चुकी है। ये आपका हैदराबाद रीजन का है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की 2024 के लिए वैकेंसी है, ये कहाँ पे है, ये आपकी गोवा कस्टम में है। कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिपोर्ट हुई है, टोटल वैकेंसी 7 रिपोर्ट हुई है, जिसमें आपकी जनरल कैटेगरी की आपकी देख सकते हैं एक वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी, ओबीसी की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की एक भी वैकेंसी नहीं। तो ये प्रेजेंट सिनेरियो है वैकेंसी का प्रिवेंटिव ऑफिसर की, किसमें, गोवा कस्टम में। ठीक है, उसके अलावा कुछ और मैं आपको दिखा देता हूँ आरटीआई रिप्लाई। ये आप जीएसटी इंस्पेक्टर की जो जोन वाइज जितनी भी वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है उसका डाटा आप देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो वैकेंसी अभी रिपोर्ट हो चुकी है जीएसटी इंस्पेक्टर की, जीएसटी इंस्पेक्टर या एक्साइज इंस्पेक्टर, ठीक है, कितनी, 39, जिसमें यूआर की कितनी है, 49 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है, ओबीसी की 10 वैकेंसी है, एससी की 5 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी। उसके अलावा मुंबई की अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पर 95 वैकेंसी रिपोर्ट हुई है, जिसमें यूआर कितनी वैकेंसी है ये देख सकते हैं। उसके अलावा जयपुर रीजन में आपकी 13 वैकेंसी जो है वो रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है वो ये है। ठीक है, उसके अलावा केरला रीजन में आपकी 46 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, जिसमें यूआर की ये है, उसके अलावा ईडब्ल्यूएस की ये है, ओबीसी की ये है, एससी की ये है और एसटी की वैकेंसी ये है। इसके अलावा भी
आपकी जो एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी है वो नॉर्थ इंडिया में भी रिपोर्ट हो चुकी है 52, उसके अलावा भुवनेश्वर में आपकी 47 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, उसके अलावा गोवा में आपकी 7 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, उसके अलावा तिरुवनंतपुरम में आपकी 46 जो वैकेंसी हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। तो इतनी वैकेंसी अभी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। उसके अलावा ये एक नई जो पोस्ट है ये आपकी आने वाली है, इसका जिक्र मैंने इससे पहले भी कई बार किया है। ये जो वैकेंसी है ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है, इस बार हो सकता है ये वैकेंसी सीजीएल के थ्रू फिलअप की जाए और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो 1773 वैकेंसी अभी ये हो सकता है और वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ये जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल में यानी कि सीजीएल के थ्रू आपकी भरी जानी है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं वैकेंसी का सिनेरियो क्या है, अभी कितनी क्या वैकेंसी आपकी रिपोर्ट हो चुकी है, जितनी वैकेंसी अभी तक आपकी रिपोर्ट हो चुकी है वो सारी वैकेंसी मैंने आपको बता दिया। तो वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आएंगी क्योंकि पिछली बार वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी का चार्ट बढ़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि 2022-2023 दोनों की ज्वाइनिंग हो जाएगी और 2022 की 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी पीएसए की अभी खाली बची हुई है, वो वैकेंसी इस बार आपकी जो सीजीएल 2024 है उसके थ्रू आपकी फिलअप की जाएंगी। तो वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2024 में अच्छी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि आप ये सोच के प्रिपरेशन करो कि आपका जो कंपटीशन है वो सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो सबसे पहले अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उन पे उनको आप कवर करो, उसके अलावा जो मॉक टेस्ट है उन्हें आप दो और अच्छे मॉक टेस्ट आपको देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जितनी भी वैकेंसी अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं उन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं जो आपका अगला क्वेश्चन है कि जो एज है आपकी वो कब से आपकी काउंट होगी। तो आप ये मान के चलो जो एज आपकी काउंट होगी वो 1 अगस्त 2024 से ही ये जो एज है वो काउंट करेंगे। अगर आप यहाँ पे आपकी जो मिनिमम जो एज का क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल होता है और जो मैक्सिमम एज है उसका भी क्राइटेरिया फुलफ़िल होता है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो एज आपकी काउंट करेंगे वो 1 अगस्त 2024 से ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।